Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Prashant Chaturvedi from MP, ये integration की एक problem है. Cos में integration करना है cos x into cos 2x into cos 3x का into dx. तो कोई ऐसा standard formula नहीं मालूम हम लोगों को जिससे direct integration होगा. इसको यानी standard formula में हमें convert करना होगा पहले. तो इसको convert करने के लिए इनको सिंगल सिंगल कॉस में या साइन में बदलना पड़ेगा. तो इसके लिए टू से अगर मल्टीप्लाई कर दें, टू से डिवाइड कर दें, तो इससे हमें एक आइडेंटिटी मिल जाएगी, बन जाएगी. यानी टू टू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स इंटू डी एक्स, इसमें ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे. टू कॉस ए कॉस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे तो आ जाएगा कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस का बी. तो इस तरीके से आएगी, पहले हो जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू कॉस, यहाँ पर जब आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये टू का इंटू और डिवाइड इसीलिए किया था ताकि ये आइडेंटिटी बन जाए. इस आइडेंटिटी को हम लोग जब अप्लाई करेंगे दोनों कॉस आएंगे और पहले तो एंगल प्लस हो जाएंगे इस 2x में 3x और फिर उसके बाद माइनस कर देंगे 2x में से 3x इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/2 कॉस एक्स और इंटू हो रहा है इस ब्रैकेट में और ब्रैकेट थोड़ा सॉल्व हो चुका है. ये 2x और 3x कॉस 5x बन जाएगा. इसी तरीके से कॉस माइनस एक्स बन जाएगा. कॉस में हम लोग जानते हैं कि कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के ही कुल होता है, इसलिए हम इसको कॉस एक्स ही लिखेंगे. तो 1/2 कॉस एक्स इंटू में आ जाएगा कॉस 5x प्लस का कॉस एक्स इंटू डी एक्स. इस कॉस एक्स का अंदर हर एक टर्म में इंटू कर देंगे तो आ जाएगा कॉस 5x इंटू कॉस एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स. अब इसमें भी यही आइडेंटिटी ऊपर वाली लगाने के लिए हमें 2 की ज़रूरत है, तो 2 से डिवाइड कर दें और 2 से फिर इधर पूरे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस 5x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा. यहाँ तो ऊपर जो लिखी आइडेंटिटी ये है, ये अप्लाई कर देंगे और इस वाले में आइडेंटिटी हम कॉस 2a की आइडेंटिटी लगा देंगे. ये होती है कॉस के बारे में 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1. तो 1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, 1 प्लस कॉस 2a की वैल्यू हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर a. तो 2 कॉस स्क्वायर a की वैल्यू ये हम इतनी रख देंगे, यानी यहाँ पर x है, a के लिए हमने फार्मूला लिखा है और a x के लिए अप्लाई कर देंगे इसको. तो बाहर है ये 1 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो गया. और यहाँ पर ये आइडेंटिटी ऊपर वाली अप्लाई करेंगे, इसमें दोनों कॉस थे, 2 का इंटू था, तो क्या होता है दोनों कॉस आते हैं और एंगल ऐड हो जाता है 2x प्लस कॉस 5x प्लस का एक्स प्लस का कॉस 5x माइनस का एक्स और प्लस यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें ये वाला, यानी फ्लोवर ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट प्लस. अब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस का कॉस एंगल ट्वाइस हो जाएगा, यानी x है तो 2x हो जाएगा. यहाँ पर भी हमने आइडेंटिटी लगा दी. अब बड़ा ब्रैकेट बंद कर दें और फिर अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे. और पहले तो इस वाले ब्रैकेट को हटा दें छोटे वालों को, यानी हमारे पास बचेगा कॉस 6x प्लस कॉस माइनस करने पर 4x प्लस, ये लिख दें ब्रैकेट हटा देंगे. प्लस का साइन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सबको ऐसे लिखना है कॉस 2x प्लस 1. और इसमें टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन कर देंगे अलग अलग टर्म का, यानी हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कॉस 6x का प्लस इंटीग्रेशन करना होगा कॉस 4x का प्लस इंटीग्रेशन करना होगा कॉस 2x का प्लस इंटीग्रेशन करना होगा 1 का. अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन सॉरी अप्लाई किया, अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया है. 1/4 और ये वैल्यू हो जाएगी कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, साइन 6x अपान 6 प्लस कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे कॉस 4x सॉरी कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है साइन होता है, तो ये साइन 4x अपान 4 हो जाएगा. जो भी कॉफिशेंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पर एक्स का कॉफिशेंट 6 था तो 6 से डिवाइड हुआ, 4 है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा. ऐसे कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर साइन 2x और 2x का कॉफिशेंट होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होता है. और जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं. इन 2, 6, 4 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा. और 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स सॉरी 2 का ऊपर जाके इंटू कर देंगे 2 साइन 6x प्लस 6 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स साइन
फोर एक्स प्लस, इसको डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स sin 2x और प्लस का 12x हो जाएगा प्लस का सी, यानी 12 से डिवाइड किया और 12 को बुला के इंटू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर वॉचिंग अस।